नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। इटारसी शिक्षण कल्याण संगठन जिला होशंगाबाद का उत्कृष्ट सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम ईश्वर रेस्टोरेंट सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में SDM मदन सिंह रघुवंशी, जगदीश मालवीय अतिथि के रूप में प्रचार ट्वेन NP चौधरी, विमल लामनिया, राजकुमार दुबे मंचर सीन हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता NP चिमानिया ने की। कार्यक्रम में विधायक माननीय डॉक्टर सीता शरण जी ने जिले की अतिशेष शिक्षक शिक्षिकाओं की समस्या का समाधान करवाने हेतु एवं शहर में बंद पड़े विकास कार्यों को आरंभ करवाने के लिए SDM मदन सिंह रघुवंशी जी को शहर के बाजार क्षेत्र की सड़कों और गलियों की अतिक्रमण की समस्या को शक्ति से हटाने के लिए, प्रचार NP चौधरी को वालक हायर सेकेंडरी शाला भवन की कमियों को जन सहयोग और शिक्षकों के आर्थिक सहयोग से दूर करने व शाला शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए एवं सेवानिवृत्त शिक्षक राजकुमार दुबे को शिक्षा और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगदीश मालवी ने कहा कि शिक्षक कल्याण संगठन के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालों को सम्मानित करना एक अनूठी पहल है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। NP चौधरी ने कहा कि शिक्षक शिक्षिकाओं के पास जो बच्चे अध्ययनरत हैं और अध्ययनरत के लिए आते हैं, उनकी सफलता में वे सफलता जोड़े तो आनंद कई गुना हो जाएगा। SDM रघुवंशी जी ने कहा कि मैं गुरुओं का आभारी हूं, जो कि शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माँ के बाद गुरु का स्थान होता है। मैं संगठन के जनित हितेशी कार्यों को संपन्न करवाने में सदैव तत्पर रहूंगा। डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने कहा कि सम्मान करने पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो जीवन में अनेक नवीन कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। शिक्षक कल्याण संगठन एक सामाजिक संगठन की भूमिका निर्वहन करता है, जिसके लिए वह साधुवाद का पात्र होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी NP चिमानिया ने अपने अध्यक्ष उद्बोधन में कहा कि समाज सेवा के कार्यों में लगे लोगों के उत्साह वर्धन के लिए संगठन की अभिनव पहल है, जो निरंतर जारी रहनी चाहिए। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन जिला अध्यक्ष सुरेश चिमानिया, संगठन के प्रतिवेदन का वाचन तहसील अध्यक्ष सतीन कुमार तिवारी ने, गतिविधियों की जानकारी राजेंद्र दुबे ने, संचालन RC नामदेव एवं आभार प्रदर्शन सुषमा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अखिलेश दुबे, अमरीश दुबे, सुनील दुबे, आनंद दीवान, सुषमा शर्मा, अंजना श्रीवास्तव, हीरा सोलंकी, हंटा कपूर, प्रभा तिवारी आदि अनेक सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में शिक्षण कल्याण संगठन के शिक्षक शिक्षिकाओं की भारी संख्या में उपस्थिति रही। समय बहुत हो गया, इसलिए लंबी बात नहीं करना। एक बात तो SDM साहब ने कही, दो बातें बोली। उनने कहा कि हमारा काम है सेवा करना, हम इसीलिए हैं, पर आप सम्मान कर देते हैं तो उससे काम करने की ताकत बढ़ जाती है। तो वो चौधरी साहब की बात से उसको मिलाता हूँ मैं, कि आप सम्मान कर देते हो तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, नहीं तो दिन भर नेगेटिव एनर्जी वाले ही आते हैं हमारे पास। तो एक तो इसलिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप बार बार सम्मान करें, पर आप करते हैं चलती बहुत दिन, ये पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी सब में होती है, उन्हें बड़ी अच्छी बात होती। और दूसरी बात, SDM साहब ने एक और कही, यदि आगे बढ़ना शिक्षक को अपने घर में रखना भैया। आज शिक्षक कल्याण संगठन ने बहुत दिनों बाद आज आयोजन का अवसर आया। अब क्या है, 10-11 महीने से न भाषण हो रहा है न कुछ हो रहा है, तो बात तो मैं भी लंबी कर सकता था, क्योंकि कुछ मौका ही नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से मिला, पर तो 3-4 घंटे हो गए हैं, इसलिए अब जब आप बुलाएंगे तब अपन लंबा भाषण देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, सेवा का तो हमारा काम ही है, और बल्कि मुझे अफसोस है कि हमारी बहनों को बहुत दिन तकलीफ भुगतना पड़ा, पेमेंट मिला नहीं, लगातार कमिश्नर ऑफिस फोन लगाए, बहने फोन करती थी, कमिश्नर ऑफिस लगाया तो कोविड चल रहा था, उस वक्त लॉकडाउन था, तो ऑफिस में ही नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से संकट से निकले हैं। सही कार्यों के लिए भी
संघर्ष करना पड़ता है, ये हमारे व्यवस्था की त्रासदी है। मुझे नहीं मालूम कैसे सुधरेगी, पर ये त्रासदी है, इसको हम सब भोगते हैं, आप भी भोगते हैं और हम भी भोगते हैं। शिक्षक कल्याण के अलावा और क्षेत्रों में भी जा रहा है, तो वास्तव में अब शिक्षक कल्याण संगठन अब समाज कल्याण संगठन भी बन गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने हम सबको बुला करके और हमारे प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय जी हम सबको बुला करके, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम तो फोन पर कह देते हैं, पर सार्वजनिक रूप से आज आपने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। हमारी पुष्टि हुई है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे सेवा मानते हैं, अच्छा काम मानते हैं और सेवा सम्मान करते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है हमें। जहां तक शिक्षक संगठन की बात है, शिक्षक गुरु होते हैं और एक मनुष्य के लिए माँ के बाद गुरु का ही स्थान होता है, जो एक आदमी को इंसान बनाता है। मैं आज इस एसडीएम के पद पर हूं, अपने प्राइमरी स्कूल के हमारे गुरुजी जो थे उनके बारे में, अपने बारे में एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि जब मैं दूसरी तीसरी क्लास में था तो मैं पढ़ाई से बहुत डरता था और स्कूल से हम भाग जाते थे, पढ़ते नहीं थे। हमारे एक शिक्षक थे मर्दन सिंह जी कुशवाहा, अकेला लिखते थे वो उनका ट्रांसफर होके हमारे गांव में पढ़ता था मैं, गांव में उनकी पोस्टिंग हुई और वो हमारे घर में रहने लगे। बड़ी मुसीबत अब कहां भागे। उन्होंने हमको जो है हमको पढ़ाया व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके, अब फिर हमारा डर भी दूर हो गया, टीचर थे घर में रहने लगे, परिवार के सदस्य के रूप में हो गए और उनकी उनकी कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा। आज हम उन्होंने इस योग बनाया और पढ़ के आज हम यहाँ एसडीएम के पद पर आप सबके बीच सेवा करने का मौका। इटारसी से खबर समय जगत के लिए डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।